खबरें विस्तार से। हमीरपुर में बढ़ रहे चिट्टा के कारोबार के चलते कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने चिट्टा कारोबार में शामिल बीजेपी नेता के सांसद अनुराग ठाकुर के साथ घने संबंध होने से चिट्टा कारोबार से जुड़े होने पर चुटकी ली है। नरेश ठाकुर ने कहा कि जब से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से कानूनी व्यवस्था के साथ नशा और भूमाफिया को रोकने में नाकाम रही है। हमीरपुर में बढ़ रहे चिट्टा के कारोबार के चलते कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर जिला के कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने चिट्टा कारोबार में शामिल बीजेपी नेता के सांसद अनुराग ठाकुर के साथ घने संबंध होने से चिट्टा कारोबार से जुड़े होने पर चुटकी ली है। नरेश ठाकुर ने कहा कि जब से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से कानूनी व्यवस्था के साथ नशा और भू माफिया को रोकने में नाकाम रही है। नरेश ठाकुर ने कहा कि चिट्टा केस में पकड़े गए युवक बीजेपी नेता का पुत्र है और बीजेपी नेता एचपीसीए में भी सदस्य होने के साथ सांसद अनुराग ठाकुर का चहेता है, जिससे साफ हो रहा है कि बीजेपी सरकार ही नशा को बढ़ाने में काम कर रही है और नशा व्यापारियों पर नकेल कसने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के पुत्र के नशा कारोबार में फंसने के बाद भी बीजेपी आला कमान चुप्पी साधे हुए है। नरेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सरकार बिन गुटों में बंटी हुई है और बीजेपी में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार में अपने ही पूर्व सांसदों और मंत्रियों पर जांच की जा रही है, जिससे बीजेपी की कला जगह जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ने के साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराकर रह गई है। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता और एचपीसीए के सदस्य सुपुत्र के पास से 32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था और ये चिट्टा बीजेपी नेता के भाई के होटल में मिला था, जिसके चलते अब राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस ने बीजेपी को नशे के कारोबार को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है वो कानूनी व्यवस्था नशा और भू माफिया को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है। हाल ही में जिला हमीरपुर में जिस तरह से नशा बढ़ा है और चिट्टे का व्यवहार चल रहा है, उससे उसमें जो एचपीसीए के एक सदस्य हैं और जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी, उनके भी वो नज़दीकी हैं, उनका सपुत्र भी इस नशे के व्यापार में संपलित पाया गया। तो इससे पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है, क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा हमेशा कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाती थी और स्पष्टीकरण मांगती थी, परंतु आज यहाँ हमीरपुर में इस तरह से पदाधिकारी के सपुत्र संपलित पाए गए, परंतु भाजपा कहीं ना कहीं इसकी स्पष्टीकरण देने से टल रही है और ना तो आज तक ऐसी कोई उसके ऊपर कार्रवाई की गई भाजपा की तरफ से, बल्कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो है ऐसे केसों को दबाने की कोशिश की जा रही है और प्रदेश सरकार भी इस इन नशाखोर व्यापारियों को और भूमाफिया को रोकने में बहुत बुरी तरह से असफल हुई है और नाकाम रही है। मैं जैसे जिस तरह से पूर्व मंत्री जो है वो पूर्व सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इनके जो विधायक हैं उनके ऊपर ही जांच चल रही है ऐसे पत्र वायरल होने के ऊपर, तो इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है या भाजपा के विधायक हैं वो किस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं और किस तरह से वो गुटों में बंटे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी कांग्रेस सरकार आई उन्होंने विकास किया और हिमाचल प्रदेश को एक नया आयाम स्थापित करने में हमेशा से सहयोग दिया है, परंतु भाजपा की जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है वो पूरी तरह से नाकाम हुई है और केंद्र में भी आज जो केंद्र सरकार है उसके 100 दिन पूरे होने के पश्चात भी जिस तरह से पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है जिस तरह से विफल रही है, इससे पता चलता है कि केंद्र की सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है 100 दिनों के अंदर। और जहां वो रोजगार देने की बात करती थी, आज लोग जो हैं युवा जो हैं बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं, नौकरियों से उनको निकाला जा रहा है और आज देखेंगे आपकी आम जो सब्जियों के दाम हैं, बेरोजगारी है, चाहे गैस है, तेल है, डीजल है, वो बुरी तरह से उसके दाम बढ़े हुए हैं और पूरे एक देश के अंदर जो माहौल है वो बुरी तरह से खराब हुआ है और केंद्र सरकार भी बुरी तरह से विफल रही है।